और तेरे पे कुर्बान मेरा दा रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। अरे मेरी जान है तेरे पे कुर्बान मेरा दा रह ना सकूंगा तुझसे दूर। सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, जब कोई नहीं बचा तो राजा दिलीप ने तपस्या की कि मेरे पुरखों का तरण तारण हो जाए और गंगा मैया आ जाए। लेकिन कई वर्ष कई हजार वर्ष तपस्या की लेकिन गंगा माई नहीं आई और राजा दिलीप का देहांत हो गया। और जब राजा दिलीप का देहांत हुआ तो सूर वंश में कोई पुरुष नहीं बचा। तो राजा दिलीप की दो पत्नियां थी और दोनों पत्नियां नारद जी के पास पहुंची और नारद जी से कहा कि मेरा तो सूर वंश का अस्त होने वाला। उसी समय नारद जी ने कहा कि आप भगवान शंकर के पास जाओ, वो कोई उपाय बताएंगे। भगवान शंकर ने कह दिया कि आप तपस्या करो। 18,000 वर्ष दोनों पत्नियों ने तपस्या की और जब तपस्या की तो भगवान शंकर ने आदेश दिया कि जाओ दोनों पत्नी आपस में रति कीड़ा करो, एक को पुत्र पैदा होगा। और हुआ क्या? जनाना तो जनाना मिल जनाना की पत बन गई जना। जनाना मर्दाना का ये राज जनाना, किसी नर नारी को ये पता नहीं था कि दोनों आपस में रति कीड़ा कर रहे हैं। जनाना मर्दाना ने ये राज जनाना, पैदा कब हुआ अबद महाराज जनाना। भोले ने दिखाया क्या कमाल जनाना, भोले ने दिखाया क्या कमाल जनाना। और जनाना जनाना जन्म हुआ, उसका नाम पड़ा भागीरथ। वहां से फिर सूर्य वंश की उत्पत्ति चालू।
जाना ना मर्दाना ने राज जाना ना, और पैदा कब होगा अब तो महाराज जाना ना।